क्षेत्र में एक पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी से पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव ने यह कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। करेल के ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर में निवासी फौजी ताले सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर पूर्व MLC अरविंद प्रताप यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव, जिला पंचायत सदस्य गौरव यादव, सपा नेता मनीष यादव व अन्य लोगों समेत तमाम लोगों ने संयुक्त रूप से मूर्ति का अनावरण किया। शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर जमकर प्रहार किया है। सपा राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि सरकार का भ्रष्ट सिस्टम की वजह से चुनाव में हराया है, हम हारे नहीं हैं। जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, ये छोटे छोटे चुनाव थे, इनको अधिकारियों और सत्ता के बल पर चुनाव हराया है। 2024 में अब केवल सपा और भाजपा है और 2024 में भाजपा को चुनौती सिर्फ सपा ही देगी। शिवपाल सिंह यादव ने बताया है कि 2024 के लिए तैयारी जोर शोर से शुरू की गई है। 2024 के लिए सबसे पहले संगठन को मजबूत करेंगे, उसके बाद भाजपा को कड़ी चुनौती देंगे। मंत्री जी, जो निकाय चुनाव के जो परिणाम आए मैनपुरी में, आपको केवल 2 सीटें मिली, क्या कहेंगे आप उस पर? ये छोटे छोटे चुनाव और इस चुनाव में सरकार की तरफ से धांधलियां भी हुई, अधिकारियों के बल पर, पुलिस के बल पर जो बेईमानी हुई, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने ये चुनाव पूरी तरह से लड़ा और वैसे तो बहुत सी सीटों पर जीते भी है, वोट बहुत अच्छा मिला है, लेकिन अगर गड़बड़ियाँ नहीं होती सरकारी तंत्र के माध्यम से तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है और आगे भी। अब देखिए 2024 क्या है, केवल समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगी और हम संगठन को तैयार करेंगे, समीक्षा करेंगे। अभी जो भी चुनाव में गड़बड़ियाँ हो रही हैं जिनकी वजह से जो देखियों को समीक्षा करेंगे तो सामने आएगा, लेकिन मैं इतना जानते हैं 2024 में संगठन तैयार करेंगे और अपने संगठन को तैयार करके और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे ये भी कहेंगे कि पार्टी सर्वोच्च होती है, पार्टी सर्वोच्च होती है, इसलिए जिसको भी टिकट मिले, टिकट मांगने का तो सबको अधिकार है, मांगना भी चाहिए। जो वर्कर काम करता है उसका हक भी होता है, लेकिन पार्टी सर्वोच्च होती है, टिकट मिलने के बाद फिर सभी को एक होकर के और सभी जितनी भी अब गुटबंदी हैं ये हैं संगठन को तैयार करके ख़त्म करेंगे और 2024 में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती बनकर समाजवादी पार्टी चाचा जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम समाजवादी पार्टी करेंगे। इटावा में आप मौजूद थे इसलिए इटावा की सीट तो सपा के खाते में गई, लेकिन मैनपुरी में कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, जिसलिए हार का सामना करना पड़ा, क्या देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए वो तो देखिए संगठन ये काम करता है, लेकिन अधिकारियों के बल पर, बेईमानी के बल पर और भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप सब लोग जानते हैं इतने बेईमान, इतने भ्रष्ट सरकार, सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के। इस निकाय चुनाव में मुसलमानों को ही BJP ने टिकट दिया और कई मुसलमान जीते भी हैं, क्या किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए ये चुनाव में जाति पात नहीं चलता है, लेकिन भारतीय जनता ने पूरी तरह से बेईमानी की है, हर तरीके से। 26 तारीख को योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं मैनपुरी, अरे आना जाना तो यार,
क्या नाम है आपका? कैप्टन सुभाष यादव, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। अच्छा, आज ये मूर्ति का अनावरण हुआ, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? कार्यक्रम ये मेरे बड़े भाई थे स्वर्गीय श्री ताली सिंह यादव, ये भारतीय सेना में सेना पुलिस में एक CHM के पद पर तैनात थे। इनका जन्म 1961 में हुआ था और ये सेना में भर्ती 1980 में हुए थे और ये 5 डिप जिसको बोला जाता भारतीय सेना की अरुणाचल प्रदेश में एक टेंगा घाटी में बड़ी ऊंचाई पे यूनिट है उसमें ये तैनात थे। December 9, 2010 में इनका ऊंचाइयों पर चढ़ते समय स्वर्गवास हो गया था और इनकी वजह से हमारे परिवार में आज 6 लोग भारतीय सेना में सेवारत हैं और सेवा में कार्य कर रहे हैं। उनकी वजह से आज हमारे परिवार में हम लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। ये सब उनका श्रेय हम धन्यवाद के तौर पे और उनको याद करके इस मूर्ति का अनावरण करवाया है। किसने किया अनावरण? श्री शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के कर कमलों द्वारा आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है और साथ में ही श्रीमद् भागवत यज्ञ का कार्यक्रम भी चल रहा है जो 7 दिन तक चलेगा जिसका भंडारा 23 मई को होगा।